नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रुष्ट दामोदर सिंह। दोस्तों, पत्रकारिता करना और पत्रकारिता के एथिक्स को फॉलो करना आज के समय में थोड़ा कठिन सा हो गया है। जनरली जो पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने किसी बैकग्राउंड से मास्टर्स ग्रेजुएशन या पत्रकारिता में चाहे प्रिंट माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या डिजिटल माध्यम हो काम कर रहे हैं और डेडिकेटली सैलराइज एम्प्लॉई हैं और वो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी खबरें मीडिया में पब्लिश नहीं होती। ऐसी कंडीशन में उनकी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर पब्लिश होती है। जनरली सोशल मीडिया पर खबरें उनको डालना मजबूरी होता है, क्योंकि हर जगह अखबार में, चैनल में या डिजिटल पर पोस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सोशल मीडिया पर लिखने की आवश्यकता होती है, मैं बता दूं कि जो उनका संपादक होता है या उनकी पॉलिसी या USP के अकॉर्डिंग हर खबर वहाँ पर प्रकाशित करना या वहाँ पर स्पेस ना होने के कारण खबरें छूट जाती हैं। ऐसी कंडीशन में पत्रकार से आसपास की सोसाइटी या उनके जानने वाले या समस्या इतनी गंभीर होती है कि उनको कहीं ना कहीं पत्रकार को छापनी होती है, जिसका असर तो देखने को मिलता है लेकिन वास्तविकता में वो एक सोशल मीडिया की खबर बनकर रह जाती है, जिसका परिणाम होता है कि खबर का असर केवल एक छोटे रूप पर रहकर रह जाता है। ऐसी कंडीशन में वो पत्रकार जो लगातार मीडिया में काम कर रहे हैं लेकिन अपनी खबरें विश्वसनीय संस्थान ई खबर के माध्यम से भी प्रकाशित करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें गोल्डन नंबर 8871102710 पर या हमें अपनी खबरें भेज दें news@eekhabar.in पर, news@eekhabar.in पर, जहां पर आप अपने आसपास हो रही घटना सूचना कार्यक्रमों को या जो खबर छूट गई है उसको आप हमें भेज सकते हैं और निश्चित ही ई खबर डिजिटल मीडिया उसे वीडियो के रूप में टाइप की हुई खबरें या प्रिंट माध्यम से दिखाने की कोशिश करेगा, जिसका असर तो फिर भी आप समझते हैं। इसलिए नेशनल मीडिया, ई खबर डिजिटल मीडिया, देश दुनिया, खेल, मनोरंजन, व्यापार, मीडिया की खबरें लगातार आप तक पहुंचाता है। आपके प्रदेश की, जिले की, स्टेट की खबरें भी आप तक मीडिया के माध्यम से लगातार देता रहता है। ऐसी कंडीशन में आप भी जुड़ जाएं ई खबर से और अपना वैलिड लीगल प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कि वैलिड लीगल प्रेस आईडी कार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जनरली हम जिस संस्थान में काम कर रहे होते हैं वहाँ के संस्थान हमें फ्रीलांसर के रूप में या यूं कहें कि वो कार्ड तो देते हैं लेकिन जब हमारी बात अधिमान्यता की आती है या दूसरे राइट्स की बात आती है तो आपको वो संस्थान मुकर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ई खबर डिजिटल मीडिया एक ऐसा संस्थान है जो आपको आपकी पत्रकारिता के साथ साथ पत्रकारिता के अधिकार की रक्षण करता है, यानी आपको पत्रकार होने के साथ साथ पत्रकारिता की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कराता है और उसके लिए आपको तैयार भी करता है कि आप अपने अधिकारों को, आप अपनी शासकीय जो भी योजना है उनका लाभ लेने के लिए या आसपास जो भी एफिलिएशंस हैं, प्रशासन है, पुलिसिंग है, उनके विभाग में आपकी सूची में नाम होना भी आप हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जो पत्रकार हमसे जुड़ा है वो उस जिले में या उस तहसील में, उस राज्य में संबंधित विभागों की सूची में शामिल रहे जहाँ पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हो रहे कार्यक्रमों के लिए सरकारी गैर सरकारी सूचनाएं मिलती रहें। अगर आप एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से पत्रकारिता करना चाहते हैं, हर वो कार्यक्रम को कवरेज करना चाहते हैं, लगातार सुबह जब जगते हैं और रात तक सोते हैं उस बीच में आपको खबरें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो निश्चित ही आप एक होनहार पत्रकार होने वाले हैं। तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कॉल कर लें, वेबसाइट विजिट कर लें www.ekhabar.in। और एक अपील और कर रहा हूँ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिपोर्टर हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि नवंबर दिसंबर में अपने कार्ड रिन्यूअल करा लें, उसकी नॉमिनल फीस है 1000 रुपये। आप हमें हमारे नंबर 8871102710 पर एक SMS कर दें कि सर मुझे कार्ड रिन्यूअल कराना है, आई वांट अ रिन्यूअल कार्ड ऑफ ई खबर, ऐसा करके, या नया बनवाना है तो आप लिख दें कि सर मुझे नया कार्ड बनवाना है, SMS के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। देखते रहें ई खबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।